अभी विवेक ने बताया कि पुलिस ये कह रही है कि ये वीडियो पुराना है, ये तब का है जब इनाम घोषित नहीं हुआ था और ये मामला अभी नया नया आया था अजीत सिंह की हत्या वाला। वहां पर स्थानीय पुलिस क्या कह रही है और इस वीडियो के बारे में आपके पास जो पुख्ता जानकारी है जावेद, वो हमारे दर्शकों से साझा करें। देखें, पुलिस कुछ कर ही तो नहीं रही है राजेंद्र, दिक्कत तो यही है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ये वीडियो मुश्किल से 2 से 3 दिन पुराना है। हम मान भी लें कि ये वीडियो 1 साल पुराना है। अभी 1 महीना पहले जो शादियों का दौर चला था जिसमें धनंजय सिंह दिखाई पड़े थे, वो क्या था, उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी? सदर विधानसभा क्षेत्र जहाँ की DM का मुख्यालय होता है, SP का मुख्यालय होता है। 2 से 3 दिन पुराना ये वीडियो हमारे स्थानीय संवाददाता, जौनपुर संवाददाता जावेद रिपोर्ट कर रहे हैं और बिल्कुल सही सवाल हमने उठाया। अभी जावेद भी ये बात कह रहे थे कि ये कोई पहला मामला नहीं है, ये कोई पहला वीडियो नहीं है जिसमें सार्वजनिक ग्रुप से वो नजर आ गए। इससे पहले तमाम शादियों का जो दौर चला, सार्वजनिक कार्यक्रम हुए, उसमें भी नजर आए जौनपुर के अलग अलग क्षेत्रों में धनंजय सिंह। ऐसा क्यों है और पुलिस कुछ कह क्यों नहीं रही, ये बहुत बड़ा सवाल है। और धनंजय सिंह की मूवमेंट पर उनकी भी बहुत पैनी निगाह रही है, नीतीश पांडे। नीतीश, अभी जावेद बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले जौनपुर से, वो बता रहे थे कि ये क्रिकेट खेलने का वीडियो कोई अनोखा और अनूठा वीडियो नहीं है जो कई दिनों बाद सामने आ गया है और सार्वजनिक रूप से धनंजय सिंह दिखाई दे गए। इससे पहले शादियों में, पार्टियों में, कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में, जौनपुर के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग पॉकेट्स में ये व्यक्ति नजर आता रहा है, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या वहां पर वातावरण है और बनारस कमिश्नरी के अधिकारी, बनारस कमिश्नरेट के अधिकारी और बड़े जो लोग हैं वहां पर, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं? राजेंद्र जी, यही तो सवाल है कि जब धनंजय हर जगह दिखाई देते हैं, जब धनंजय जौनपुर के कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं और इन सारे विषयों को विपक्ष यानी कि बनारस और अन्य जो जगह है वहां के नेता उठाते रहते हैं, फिर भी पुलिस और प्रशासन की नज़र से धनंजय क्यों बच रहे हैं? जब हमारी ADG जोन विभूषण से इस मामले पर बातचीत हुई, फोन पर बातचीत हुई और जब मैंने उनसे बातचीत करने का कैमरे पर प्रयास किया तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जहां के वो वांटेड है वहां पर बातचीत करिए और वहां के अधिकारी बताएंगे, हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अरे साहब, आप क्या बोलेंगे और क्यों बोलेंगे? सवाल यह है कि जब आपको मार्च से फरार अपराधी मिल नहीं रहे हैं, जब सबको वो दिख रहे हैं आपको नहीं दिख रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन क्यों नहीं बोलेंगे और कब तक नहीं बोलेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह की राजनीतिक गलियारों में चर्चा है धनंजय सिंह को लेकर, रसूख वाले आदमी कहे जाते हैं, माफिया डॉन तो कहना ही है, लेकिन इसके साथ बाहुबल इनका पूरे पूर्वांचल में मशहूर है। और ऐसी स्थिति में जब धनंजय सिंह का क्रिकेट खेलते का वीडियो वायरल होता है तो उस वीडियो पर कई तरह की बातें भी सामने आती हैं। हो सकता है वीडियो को जांच के दायरे में लाया जाए, लेकिन आपको मैं बता दूं राजेंद्र जी, जो सत्ता के गलियारों में चर्चा है, जो आम आदमी में चर्चा है, धनंजय जौनपुर में दिखाई जरूर देते हैं लेकिन पुलिस को दिखाई नहीं देते, प्रशासन को दिखाई नहीं देते। क्यों दिखाई नहीं देते, ये बड़ा सवाल है राजेंद्र जी। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है विवेक का, ये बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं, उठाना भी चाहिए और ये सवाल हम उठाते रहेंगे क्योंकि ये सवाल ऑब्वियस हैं, जाहिर हैं, इन सवालों को छुपाया नहीं जा सकता।